मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के प्रमुख छायावादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं महादेवी वर्मा जी की एक कविता, बारहमासा। माँ कहती अषाढ़ आया है, काले काले मेघ घिर रहे, रिमझिम बूंदें बरस रही हैं, मोर नाचते हुए फिर रहे। फिर यह तो सावन के दिन हैं, राखी भी आई चमकीली, नन्हे को राखी बांधी है, माँ ने दी है चुन्नी नीली। भादों ने बिजली चमकाकर, गरज गरज कर हमें डराया, क्या हमने चाई माई कर इसीलिए था इसे बुलाया। गन्ने चटका चटका कर माँ किंदेवों को जगा रही है, ये कुंवार तक सोते रहते क्या इनको कुछ काम नहीं है। दिए तेल सब रामा लाया, हमने मिल बत्तियां बनाई, कार्तिक में लक्ष्मी की पूजा करके दीपावली जलाई। माँ कहती अगहन के दिन है, खेलो पर तुम दूर न जाना, हमको तो अपनी चिड़ियों की खोज खबर है लेकर आना। पूस मास में सिली रजाई, निक्की रोजी बैठे छिपकर, रामा देख इन्हें पाएगा, कर देगा इन सबको बाहर। माघ मास सर्दी के दिन है, नहा नहा हम कांपें थर थर, पर ठाकुर जी कभी ना कांपें, उन्हें नहीं क्या सर्दी का डर। फागुन आया होली खेली, गुजिया खाई जन्म मनाया, क्या मैं पेट चीर कर निकली या तारों से मुझे बुलाया। चैत आ गया चैती गाओ, माँ कहती बसंत आया है, नए नए फूलों पत्तों से बाग हमारा लहराया है। अब बैशाख आ गई गर्मी, खेलेंगे हम फव्वारों से, बादल अब ना आएंगे हमको ठंडा करने बौछारों से। माँ कहती अब जेठ तपेगा, निकलो मत घर बाहर दिन में, हम कहते गौरैया प्यासी पानी तो रख दे आंगन में। बाबूजी कहते हैं इनको नया बरस है पढ़ने भेजो, माँ कहती ये तो छोटे हैं इन्हें प्यार से यहीं सहेजो। हम गुपचुप गुपचुप कहते हैं हमने तो सब पढ़ डाला है, और पढ़ाएगा क्या कोई, पंडित कहाँ कहाँ शाला है। मित्रों, कविता में महादेवी वर्मा ने वर्ष भर के 12 महीनों के प्रकृति सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। 12 महीनों के प्राकृतिक सौंदर्य के बखान की यात्रा का आरंभ इन्होंने अषाढ़ के महीने में मेघों के आगमन से किया है, और इस यात्रा का अंत जेठ की तपती दोपहरी पर किया गया। कविता में प्रत्येक महीने की खूबियों और उसके महत्व को बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इन 12 महीनों में से जो महीना आपको सबसे अधिक पसंद है, उसकी खूबियों अथवा विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किसी नई कविता की रचना कीजिए या उसका चित्रण कीजिए।